बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इक्विपोटेंशियल मतलब कि सेम पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल, ऐसी सरफेसेस जो इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को मिलाने से हासिल होती हैं, ऐसी सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। तो द फैमिली ऑफ सरफेसेस दैट कनेक्टिंग द पॉइंट्स हैविंग द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यानी अगर मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है और उनको मिलाने से जो मेरे पास सरफेस आएगी दैट विल बी कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम दो मुख्तलिफ तरीक़ों से या कह लेंगे दो मुख्तलिफ एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लीनियर फॉर्म कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कंसिडर वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन द स्ट्रेट फॉर्म फ्राम राइट लेफ्ट टू द राइट वर्स। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम कोई भी इनका एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इन क्रॉस सेक्शन को हम नाम दे देते हैं, इनमें कोई भी ये जो कटिंग पॉइंट्स हैं इनमें हम किसी को भी नाम दे देते हैं। ये ए है बिल्फर्स, इस पॉइंट को मैं बी कह देती हूँ, इस पॉइंट को मैं सी कह देती हूँ, इस पॉइंट को मैं डी कह देती हूँ, कोई और पॉइंट भी आप ले सकते हैं। या हमने लेट वी सपोज के वी हैव एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी, बी एंड सी या सी एंड डी, कोई से भी दो पॉइंट्स आप ले लें यहाँ पर। तो वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर ये एक सरफेस है तो यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। फिर हम बी से, यानी एक सरफेस से, एक सरफेस से हम दूसरी सरफेस पे चले गए तो फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बी टू सी। सो सबसे पहले तो हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम ए टू बी। तो डेल्टा वी हमें पता है कि जी लाइन इंटेग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम लिख सकते हैं माइनस, मैं ए से बी की तरफ जा रही हूँ तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने जा रही हूँ। सो ए टू बी ई डॉट डी एफ एस होता है हमारे पास। तो हम कहते हैं कि जी ए से बी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कैपिटल एल है। ए से बी के दरमियान या बी से सी के दरमियान या सी से डी के दरमियान, ये सब डिस्टेंस जो है हमारे पास एल है। तो मैं इस केस में लिख सकती हूँ कि ये जी हमारे पास आ जाएगा, अगर ए से बी है तो ये डिस्टेंस एल है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ई एल। सिमिलरली आई हैव टू फाइंड, आई कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी। तो बी एंड सी के दरमियान अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करूँगी तो डेल्टा वी विल बिकम इक्वल टू माइनस बी टू सी ई डॉट डी एफ एस। तो यहाँ से अब देखिए, ये मैंने ए से बी की तरफ एंगल यहाँ पे ज़ीरो लिया है तभी आपके पास माइनस ई एल आया है। थीटा इक्वल टू ज़ीरो डिग्रीज है। क्यों ज़ीरो डिग्रीज है? क्योंकि हमने मूव डिस्टेंस भी इसी साइड पे मूव किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो डी एफ एस और ई की डायरेक्शन सेम है जिस वजह से एंगल ज़ीरो डिग्री आ जाता है और कॉस ज़ीरो हमारे पास वन दे देता है। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो मैं बी से सी की तरफ, यानी एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जाऊँगी तो डिस्टेंस वो एल ही रहेगा, लेकिन जो एंगल है ये मैं मूव अपवर्ड कर रही हूँ और मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट वर्ड्स हैं, तो दोनों के दरमियान जो एंगल है दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस वजह से हम यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्रीज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी माइनस बी टू सी ई डी एफ एस कॉज ऑफ 90 डिग्रीज, और कॉज 90 हमारे पास जीरो दे देते हैं। इट मीन्स कि डेल्टा वी विल बिकम्स इक्वल टू जीरो। और ये डेल्टा वी कहाँ था? बी से हम सी की तरफ गए हैं तो मैं लिख सकती हूँ उसको वी सी माइनस वी बी इक्वल टू ज़ीरो, और इट मीन्स कि वी सी विल बिकम्स इक्वल टू वी बी। यानी जो वी सी और वी बी हैं उन दोनों के जो पोटेंशियल हैं दे विल बी द सेम, दे हैव द सेम पोटेंशियल पॉइंट्स। तो ये जो दो लोकस हैं ये सेम पोटेंशियल पे हैं तो हम कहते हैं जी ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं तो वर्क डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द इनसाइड द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो क्यों? क्योंकि जब डेल्टा वी ज़ीरो है तो हमें पता है कि जी डेल्टा वी होता है माइनस डब्ल्यू बी सी ओवर क्यू नॉट। तो अगर डेल्टा वी ज़ीरो है तो इट मीन्स कि आपके पास जो है वो वर्क डन भी ज़ीरो है।
डेल्टा वी जीरो हो गया तो इट मीन्स आपके पास वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. हमने ये एक लीनियर फॉर्म में एग्जाम्पल ले लिया, अब हम इसी तरीके से एक सर्कुलर फॉर्म में एग्जाम्पल लेंगे और हम इक्विपोटेंशियल सर्फेस को एक्सप्लेन करेंगे. सो कंसिडर वी हैव अ पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर. पॉजिटिव क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो हमें पता है कि जी ऑलवेज आउटवर्ड्स होती हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में किसी भी दो पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करें तो ऑलवेज आउटवर्ड्स इन द रेडियल डायरेक्शन होती हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे आप ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. तो हम कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं ऑन द टू लाइन्स. तो ये मैं ये कहती हूँ कि ये एक पॉइंट मेरा ये मैंने ले लिया और एक पॉइंट मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के ऊपर ले लिया. इसको मैं पॉइंट कह देती हूँ कि जी ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है. द टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम सरफेस, सर्कुलर सरफेस, दे हैव द सेम रेडियस. हम उनका जो रेडियस है वो सेम है, आर ए इक्वल टू आर बी. तो ये जो जब भी हम पार्टिकल को फ्रॉम ए टू बी मूव करवाएंगे या बी टू ए मूव करवाएंगे तो देर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस. हम जब भी मूव करवाएंगे तो हमें पता है कि जी अगर मैं बी से ए की तरफ इसको मूव करवा रही हूँ तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. तो द एंगल विल बी ऑलवेज 90 डिग्रीज. आप कहीं भी मूव करवा लें, इस यहाँ से यहाँ मूव करवा लें, यहाँ से यहाँ मूव करवा लें, इस सरफेस के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में जब आप पार्टिकल को मूव करवाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज टू पॉइंट्स लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू के क्यू ओवर आर होता है. तो चूंकि हमारे पास दो पॉइंट्स का डिफरेंस है तो हम लिख सकते हैं वन ओवर आर ए माइनस वन ओवर आर बी. तो यहाँ से हमने देखा कि जी हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है उन दोनों का जो जो हमने दो पॉइंट्स लिए हुए हैं डिस्प्लेसमेंट, उनका रेडियस जो है वो चार्ज पार्टिकल से वो सेम है. आर ए और आर बी दोनों सेम पॉइंट्स पे लाई कर रहे हैं तो डिस्टेंस दोनों का सेम है. तो मैं लिख सकती हूँ आर ए इज इक्वल टू आर बी. तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू के क्यू वन ओवर आर ए माइनस वन ओवर आर ए. तो इट विल गिव ज़ीरो. तो वी ए माइनस वी बी विल बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो. इट मीन्स के वी ए इक्वल टू वी बी. नाउ दिस शोज दैट द ऑन द सेम सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, ये हमारे पास एक कोई भी एक सरफेस है जो स्फेरिकल सरफेस है, इनमें आप जो कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे वो सब आपस में सेम पोटेंशियल पे होंगे. तो ऑल पॉइंट्स ऑन दैट सरफेस हैव द सेम पोटेंशियल, दैट इज व्हाई दिस सरफेस इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. सिमिलरली अगर मैं इस सरफेस पे लूंगी तो वो सारे पॉइंट्स आपस में सेम पोटेंशियल पे होंगे. अगर मैं इस सरफेस की बात करूंगी तो इस सरफेस पे भी सब पॉइंट्स आपस में सेम पोटेंशियल पे होंगे. तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो हम जब भी एक चार्ज पार्टिकल को सेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ करते हैं तो दीज ऑल द फैमिली ऑफ सर्फेसिस है कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस. तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस में मैं जब भी चार्ज पार्टिकल को उस सर्फेस के ऊपर मूव करवाऊंगी तो वर्क विल बी ज़ीरो. लेकिन अगर मैं एक सरफेस से दूसरी सरफेस के ऊपर जाती हूँ, यानी अगर मैं फर्स्ट सर्फेस से सेकेंड पर जा रही हूँ या सेकेंड से थर्ड पर जा रही हूँ तो देट विल बी द वर्क डन. तो जब भी आप फैमिली लाइक अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं तो ये मेरे पास एक सरफेस है, ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स. तो इन पोटेंशियल एक पॉइंट से अगर मैं दूसरे पॉइंट पर जाऊंगी तो देर विल बी द नो वर्क डन. बट इफ आई हैव द टू सर्फेसिस, दिस वन एंड आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम दिस टू दिस, तो अगर मैं इस सरफेस से इस पे जाना चाहूँगी तो फिर हाँ वी हैव टू डू द वर्क. हम क्योंकि अब हमारे पास ये दोनों आपस में तो इनका पॉइंट्स ये इक्विपोटेंशियल हैं लेकिन इसके हिसाब से ये इक्विपोटेंशियल नहीं है. तो इस वजह से हम कहते हैं कि जी देर विल बी द वर्क डन, वी हैव टू डू द वर्क डन.
when we move from one surface to another surface. और अगर उसी surface के ऊपर move करेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, there will be the zero work done. So that's all about the equipotential surfaces. Hope so you will get the point, inshallah. Thank you so much.